हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग एमटीपी मई 2021 में जो सेकेंड एमटीपी इशू किया है आईसीएआई का, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सी किस चैप्टर का है? डेप्रिसिएशन का। और डेप्रिसिएशन में वो किस टॉपिक से है क्वेश्चन? वो है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। कि सर अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज कर देते हैं तो क्या होगा? हम बोले आइए क्वेश्चन को पढ़े। लिखा है ए प्लांट एंड मशीन कॉस्टिंग ₹40 लाख इज डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस अज्यूमिंग 10 ईयर वर्किंग लाइफ एंड 0 रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 4 ईयर्स। बोल रहा है एक प्लांट जिसका दाम ₹40 लाख है, लाइफ 10 साल है, रेसिडुअल वैल्यू 0 है। एट द एंड ऑफ 4th ईयर द मशीन वेयर रीवैल्यूड अपवर्ड बाय ₹1,60,000। बोल रहा है जब 4 ईयर का एंड हो गया तो मशीन का वैल्यू को इंक्रीज कर दिया गया, रीवैल्यू कर दिया गया, अपवर्ड बढ़ा दिया गया। कितने से? 1,60,000 से। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज रीअसेस्ड एट 8 ईयर। और बोल रहा है अब लाइफ भी कितना कर दिया गया है? 8 साल। मतलब ये हुआ कि सर पहले 4 साल तक आप जैसे नॉर्मल डेप्रिशिएट करते थे कर लीजिए, जैसे ही 4 साल खत्म होगा तो जाहिर सा बात है 4 साल में तो 40 लाख का मशीन जो है वो तो कम हो गया होगा। तो सर बिगनिंग ऑफ 5th ईयर में, या बोल सकते हैं एंड ऑफ 4th ईयर में, हम लोग का एसेट्स का वैल्यू जो भी रहा होगा 4th ईयर के एंड में, 4th ईयर के एंड में कैसे निकलेगा? हम बोले सर ओरिजिनल दाम मालूम, 4 साल उसमें डेप्रिसिएशन लगाइए तो एंड ऑफ द ईयर में आपको एसेट्स का वैल्यू मालूम चल जाएगा। उसमें क्या करना है? हम बोले रीवैल्यू कर लेंगे, रीअसेस्ट कर लेंगे। कितना जोड़ के? 1,60,000। तो नया वैल्यू मिल जाएगा। लाइफ जो पहले 10 साल था, 4 साल के बाद बचना चाहिए था कितना? 6 साल। उसको भी रिवाइज कर दिया गया और कितना कर दिया गया? 8 साल। और बोल रहा है बताओ 5वां साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा? तो हम बोल रहे हैं 5वां साल में एसेट्स का वैल्यू नया हो चुका होगा वो लिखेंगे, और जो लाइफ है वो भी नया हो चुका है 8 साल, तो 8 साल से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का डेप्रिसिएशन ऑफ 5th ईयर आ जाएगा। हम बोले हाँ चलो शुरू करें। सबसे पहले हम बोले सर सबसे पहले लिखिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लांट एंड मशीन, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीन जो दिया हुआ है बस वो लिख रहे हैं हम लोग। कितना दिया हुआ है? 40 लाख। लाइफ भी दिया हुआ है कितना? 10 ईयर। रेसिडुअल वैल्यू कितना है? बोले 0। तो क्या डेप्रिसिएशन 1 साल का निकाल सकते हैं? बोले बिल्कुल। डेप्रिसिएशन पर एनम कैसे निकालेंगे? सर कॉस्ट ऑफ प्लांट को डिवाइड कर देंगे लाइफ से, मतलब पहला वाला को दूसरा से डिवाइड कीजिए, ये तो हम लोग भी जानते हैं, 4 लाख रुपया। आई होप आप समझ रहे बात को कि सर स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं, रेसिडुअल वैल्यू कुछ है ही नहीं। अगर रेसिडुअल वैल्यू होता तो 40 लाख में पहले रेसिडुअल वैल्यू को माइनस करते, उसके बाद 10 से डिवाइड करते तो डेप्रिसिएशन निकल जाता पर एनम। अब हमको जानना है कि जो एसेट्स शुरू में 40 लाख था 4 साल के एंड में कितना बचा? WDV ऑफ एसेट्स एट द एंड ऑफ 4th ईयर कैसे निकालेंगे? हम बोले सर ओरिजिनल दाम कितना था? 40 लाख। उसमें से 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, 1 साल का डेप्रिसिएशन 4 लाख। तो 4 साल के बाद का आपको वैल्यू जानना है तो 4 साल उसमें माइनस कर दीजिए, तो 4 लाख × 4 ₹16 लाख का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। हम बोले हां, तो 1 नंबर पॉइंट में माइनस कर देंगे पॉइंट नंबर 4 × 4 × 4। क्यों? क्योंकि सर ये तो 1 साल का डेप्रिसिएशन है, आपको जानना है कि भाई जो एसेट्स शुरू में खरीदे थे 40 लाख में
वो चार साल के बाद कितना का बचा, तो चार साल में तो चार बार डिप्रिशिएट हुआ होगा वो, हर साल चार लाख चार लाख चार लाख चार लाख। तो हम बोले सर एक साल में चार लाख, तो चार लाख चार साल में कितना, सोलह लाख। तो पहला नंबर में है चालीस लाख, उसमें माइनस कर देंगे कितना, हम बोले चार लाख इंटू चार सोलह लाख, कितना बचेगा, चौबीस लाख। सिक्स नंबर, अब क्या करना है, क्वेश्चन में बोला था कि एट द एंड में मशीन का वैल्यू रीवैल्यू कर दिया जाएगा एक लाख साठ हजार से अपवर्ड, तो रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीन कितना हो जाएगा, चौबीस लाख का बचा हुआ था उसमें जोड़ दिए कितना, एक लाख साठ, तो कितना आ जाएगा, पच्चीस लाख साठ हजार रुपया। उसके बाद लाइफ, हम बोले सर रिवाइज्ड लाइफ हो गया है एट ईयर, एट ईयर, तो हम लोग का दाम है पच्चीस लाख साठ, लाइफ है एट इयर्स, तो बताओ तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, तो इस साल का डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए, डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर कैसे निकालेंगे सर, पच्चीस लाख साठ हजार को डिवाइड कर देंगे एट से, कितना आएगा, थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड। ये हम लोग के स्टडी मटेरियल में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखिए